तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूं, तो आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और कुछ नया सीखने वाले हैं। लूप के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि फॉर लूप को कैसे यूज करें, इसे हम इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लूप के बारे में जानने वाले हैं, तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए आइए समझते हैं। साथ में हमारे कुछ स्टूडेंट जो कि आप पीछे देख ही सकते हैं बैठे हुए हैं। तो आज लूप के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप रेपिटेशन के लिए यूज होता है, कोई भी लूप रेपिटेशन के लिए ही यूज होता है। खास बात यह है कि आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो तैयार है, चलिए आइए चलते हैं। तो इस प्रोग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर लूप का है और इसी को आपको व्हाइल लूप से भी बनाना है। तो स्क्रीन पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब चलिए यहां से नया पेज हम ले लेते हैं, एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहां पर मैं बनाता हूं मेन फंक्शन। क्या बनाऊंगा? तो मेन यहां पे बना लेता हूं, ये मेन हो गया, ठीक है। और यहां पे एंटर करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यहां पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए नाम से बना लेता हूं, ए नाम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। यहां पे टर्मिनेशन दे देते हैं, टर्मिनेशन दे दिया है। अब क्या करना है, यहां पे प्रिंट एफ लिखना है, ठीक है। यू आर वाई ओ यू होता है ना, वी आर लिखते हैं। आप लोग कहाँ के स्टूडेंट हैं? DIC के हैं। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है देवरिया में, फ्रॉम देवरिया, ठीक है ना, एकदम वोकल है ना। चलो हो गया देवरिया, ठीक है। अब इसको बंद करना है, यहां से इसको बंद कर देते हैं, यहां से टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट कर दिया, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए हम यहां पे इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन जब हम इसको चलाएंगे तो यही चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना, ये तो बात समझ में आ रही होगी। यहां पे देखिए इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर लेता हूं, .c लगा करके। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, देखिए यहां से इसको कंपाइल किया, ये कंपाइल हो जाएगा और यहां से रन करेंगे ना, तो देखिए वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ GIC फ्रॉम देवरिया, यही प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिए लूप का जादू क्या है, यहां पे मैं लगा रहा हूं फॉर लूप, ठीक है। फॉर ए की वैल्यू को स्टार्ट कर रहा हूं 1 से, यानी ए में एक ही बार वी आर फ्रॉम GIC देवरिया ये जो लिखा हुआ है ना, ये पहले एक ही बार प्रिंट होगा। फिर यहां पर इसको हम ए इज लेस देन कर दिया हमने, लेस देन कितना करेंगे, लेस देन 5 करते हैं, मतलब 5 टाइम, लेस देन 5 यानी कितना हुआ, 4 हुआ, 4 टाइम ये रिवाइज करेगा, ध्यान देना। और यहां पे क्या करेंगे, A++, क्या कर दिया, A++, यानी इंक्रीमेंट होता जाए, समझ आ रही बात, ठीक है। यहां पे लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, ये तो पता ही है आपको, पता है ना। अब इसको यहां से हम क्लोज करेंगे, ये जो है ना, ये यहां पे आके ये कर दिया, ये कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं, अगर आप टर्बो आईडी यूज करेंगे तो गेट्स गेट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको सेव कर लेते हैं। अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो नेम है ना, ये जो लिखा है हमने प्रिंट एफ में, ये 5 बार प्रिंट होगा, कितनी बार। अब थोड़ा सा ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह लगा देते हैं। अब हम चलिए इसको कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कंपाइल करवा दिया, सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो गया है। अब यहां से रन करवाते हैं, अब देखिए ये कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, less than 5 दिया गया, less than 5, ठीक है ना, less than, इसी वजह से ये 4 टाइम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर less than 10 कर देता हूं तो 9 टाइम प्रिंट होगा, ठीक है ना, 9 टाइम प्रिंट होगा। इसको सेव कर देता हूं, फिर इसको चलाता हूं, दिखाता हूं आपको, कंपाइल किया, अब रन किया, देखिए ये कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम प्रिंट हो रहा है, क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। इसके पहले मैंने प्राइम नंबर बताया था, ठीक है। तो चलिए इसी को आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक है, इसी को आप व्हाइल लूप से बनाइएगा, ठीक है ना, ठीक है।